हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर भी रहकर हम आम आदमी पार्टी में रहकर लोगों के मुद्दों को हल करने में नाकाम रहे, और अगर हमने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा इसी वजह से दिया है कि हम जो मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी में उम्मीद के साथ गए थे उस पे आम आदमी पार्टी खड़ा नहीं होता। एसपीओज के साथ तो मेरा जो एक परिवारी एक मैं फैमिली उनको अपना परिवार मानता हूँ, और कल की डेट 17 तारीख को भी उनकी हेयरिंग थी अहमदाबाद हाईकोर्ट में। केस कल नहीं लग पाया क्योंकि केस ज्यादा थे, कल नहीं लग पाया। दिवाली के बाद जज साहब ने कहा है कि उसके सुनवाई होगी। एसपीओज के मुद्दे के साथ मैं हमेशा बना रहूंगा। और सेवा सिंह बाली ने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा पेश किया है, क्या वजूहात रही इस्तीफा पेश करने की, इन्हीं से बातचीत करते हैं। बाली साहब, क्या वजह बनी, क्यों आज आपने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का मेन कारण ये है, एक तो जब हम आम आदमी पार्टी में गए थे हमारे जम्मू कश्मीर में, सबसे पहले मैंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। उसके बाद बड़े बड़े लीडर्स वहां पर आए और हमारे साथ जो कमिटमेंट किया था, हमारे साथ जो पार्टी में बातचीत हुई थी हमारी ज्वाइनिंग के टाइम पे, और हम कुछ मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी में गए थे। कुछ जम्मू कश्मीर के, जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे एसपीओज भाई और बहने जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर शहादत तक दे रहे हैं और उनको 200 रुपया पर डे दिया जाता है, उन सभी मुद्दों को लेकर, डेली वेजर का मुद्दा या बहुत सारे जनता के जो गरीब जनता के मुद्दे, उनको लेकर हमने आम आदमी पार्टी का दामन थामा था और उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उस पर हमें लगा कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को हल करने में नाकाम रही। बाली साहब, आप ही कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ही एसपीओ के मुद्दे हल करेंगे, उन्हीं के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन आज ऐसा क्यों कि आज वो क्यों नहीं, इन मुद्दों पर आज वो तवज्जो क्यों नहीं दे रहे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी कम्युनिकेशन गैप ये है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से इंचार्ज बना के जम्मू कश्मीर में भेजे जाते हैं दिल्ली से, उनको 6 महीने तक यहाँ रखते हैं और वो 6 महीने तक अपने तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं, लोगों के साथ कमिटमेंट करते हैं और लोग ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो नए इंचार्ज आते हैं, तो वो पुराने लोग जो जिनके जो मुद्दे होते हैं, मसाइल होते हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया होता है, जिन मुद्दों को लेकर ज्वाइनिंग की होती है, तो वो सब बेचारे परेशान हो जाते हैं, और नए जो इंचार्ज आते हैं वो नए तरीके से लोगों की ज्वाइनिंग कराने की कोशिश करते हैं और नए लोग जुड़ जाते हैं, और पुराने जो लोग होते हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। तो इसलिए हमें महसूस हुआ कि यहाँ पर भी रहकर हम आम आदमी पार्टी में रहकर लोगों के मुद्दों को हल करने में नाकाम रहे, और अगर हमने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा इसी वजह से दिया है कि हम जो मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी में उम्मीद के साथ गए थे उस पे आम आदमी पार्टी खड़ा नहीं उतर पाई। एसपीओज की अगर बात करें तो एसपीओज का मुद्दा आपने हमेशा उठाया है, लेकिन क्या अब एसपीओज को कोई उम्मीद उनमें बाकी है कि सेवा सिंह बाली जी हमारे मसाइल हल करेंगे या वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल, एसपीओज के साथ तो मेरा जो एक परिवारी एक मैं फैमिली उनको अपना परिवार मानता हूँ, और कल की डेट 17 तारीख को भी उनकी हेयरिंग थी अहमदाबाद हाईकोर्ट में। केस कल नहीं लग पाया क्योंकि केस ज्यादा थे, कल नहीं लग पाया। दिवाली के बाद जज साहब ने कहा है कि उसके सुनवाई होगी। एसपीओज के मुद्दे के साथ मैं हमेशा बना रहूंगा और आने वाले वक्त में ज्यादा शिद्दत से इन मुद्दों को उठाया जाएगा, और बहुत जल्द हमारा प्रयास रहेगा कि इनके मुद्दे को हल किया जाए, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, शहादत तक देते हैं, इनका जो मुद्दा है ये बहुत जेन्युइन है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इसके लिए हम आने वाले वक्त में बहुत तेजी से काम करेंगे। सर सिंह बाली जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप आम आदमी पार्टी में कोई ओहदा नहीं दिया गया इसलिए आप रिजाइन कर रहे हैं? इस्तीफा, देखिए, ओहदे की अगर कोई बात देखी जाए, मैं ऑलरेडी नेशनल प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पोर पीपल का, नेशनल लेवल का ओहदा है हमारे पास जिसका मुझे 10 स्टेटों ने दिल्ली में चुना है, इससे बड़ा ओहदा तो शायद मुझे नहीं मिल पाएगा। ओहदे की तो बात नहीं है, मगर जरूर ये भी एक बात है, अगर हमने काफी समय पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा था तो जब कमेटियां कल की डेट में अनाउंस हुई तो उसमें हमारे साथ थोड़ी सी नाइंसाफी जरूर हुई है, और ये भी एक वजह हो सकती है जी। बाली साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा, आने वाले वक्त में क्या कुछ उम्मीद करें, कौन सी सियासी पार्टी का हाथ थामेंगे सेवा सिंह बाली जी? आप सभी भाइयों को बाकायदा तौर पर बहुत जल्द
इसी तरीके से इन्वाइट करके ये जानकारी दे दी जाएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सेवा सिंह बाली जी थे हमारे साथ, जिनने आज आम आदमी पार्टी से इस्तीफा पेश किया, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आम आदमी पार्टी में लीडरशिप की कोई कमी नहीं, जो पुराने लोग पार्टी थे उन्हें उनकी कोई कदर नहीं की जा रही है, और आम के मसाइल से हट कर आम आदमी पार्टी चल रही है, जिसके चलते मैंने आज पार्टी से रिजाइन कर दिया है। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिए इंक्वायरर के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।